दोस्तों, श्रमर सिंह तो जेल में था, आखिर वो कैसे छूट गया, वो क्यों बाहर आ गया? दोस्तों, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आप लोगों का है। आखिर ये श्रमर सिंह इतना बड़ा आरोपी है, ये जेल से कैसे निकल सकता है? देखिए दोस्तों, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई गुनाह किए हैं या आप किसी सिलसिले में अगर जेल जा रहे हैं तो आपको जेल में तो रखा जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है कि आपको उम्र कैद हो जाएगा या आप हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एक न एक दिन सबको ज़रूर बेल मिलता है और वो वापस ज़रूर आता है, भले ही कोई बहुत बड़ा मैटर हो, मर्डर वगैरह का हो, लेकिन इनके पे तो मर्डर का आरोप, पैसे मतलब इनके वजह से आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी, ये आरोप इन पे लगाया गया था, तो इस भाई को आज न कल जेल से बाहर आना ही है। एंटीसिपेटरी कोई बेल होता है जो कोर्ट से मिलता है, उस बेल को लेकर आदमी बाहर आ सकता है और अपना कुछ काम करके, निपटारा वगैरह करके फिर वो जाके वो बंद कर सकता है। यानी कि वो बेल ही ऐसा है जिसको आप लेने के बाद आप घूम सकते हैं, मार्केट में रह सकते हैं, अपने घर वगैरह में कुछ दिन रह सकते हैं। ऐसा उस कागज़ का नियम ही है कि आप ऐसा कर सकते हैं। वही बेल इस भाई को मिल गया है और ये भाई आते हैं और अपना गाना वगैरह गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे जो वीडियो वगैरह शूट करते हैं और उसके बाद फिर ये भाई को जेल में जाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सके और समझ सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।